अब विचारो बात जौन मालूम के में कन्नो का है भाभी ने ड्रेसिंग टेबल पे सुबह सुबह श्रृंगार कर रही। जब भाभी श्रृंगार कर रही देवर को चुपके चुपके देखन लगो वानी जो फेल लवनी निकारी हथेरी पे लगाई हाथ तक में लई मुंह पे फोथल लगी। बाने सोची भाभी तो लौनी लगा रही है वहां से देवर खिसको भाभी के जोरे पहुंचो भाभी नहीं क्रीम लगाए हुए बाने अंगुरिया पे नई और जीव पे धर के चाटे लई। जब चाटी भाभी ने कान पकड़ो कान पर तमाचो दो गाल पर पगला। अरे खाने की चीज मुझे भाभी ने मारो कहने लगे चलो पूछेंगे। आज को लड़कनी उस बात को बताती हुई अपनी मां से बोली मां मैया ने पूछी लली ससुरे में कैसी रही। कहने लगे मैया कुछ मत पूछ है कैसी रही तो बताए कि वो लड़की बोली है क्या बोली। बन गए पिया हो पिया हलुक चुल्लू क्यों। अरे थोड़ी सी मन की मनई और हाथ में डर की चाची नहीं। अरे जो अम्मा मन मन करी मन कुंगली मेरी क्या बताएं हमने वासो मने करी तो बा बाजारे ने अमुरिया और काट नहीं। अरे थोड़ी सी मन की मनई और हाथ में डर की चाची नहीं। अरे जो अम्मा मन मन करी मन कुंगली मेरी चाची अब वो लड़का जो टेबल लाए ना वो अपे अपे भैया बुलाए के लाओ। भैया ने कहा कही बोले क्या खाओ तेने फिर लवली लई तेरी बदरी के लोग भैया ची खाओ। तो भैया बोलो का तू पागल है तो कैसे खाना चाहिए कैसे खाना चाहिए तो पिया क्या अरे क्या बोले सुन पागल तू से गई काई बोलो तेरी बोलू की जो खाई तो जीते घर के आज हमारे भैया जो हमारे भैया रहे उन्हें चिकाई के जब बताते हैं रूखी चोखाई। अगर रूखी का कोई शरीर भूल लगेगी अरे तो खा नहीं ये तो कछु ना तो रोटी चिपर के खाए ले तो सब्जी में डाल के खाए ले तो अरे सही है वो तो मेरे भैया